ओम साई राम, मैं अंकित तिवारी आप सभी का हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग अपने हिस्ट्री में पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था उसको समझ चुके थे। अब हम अगले टॉपिक पिट्स इंडिया एक्ट इसे समझेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था ऐसा इस पिट्स इंडिया एक्ट जो अभी तक हमें वारेन हेस्टिंग के समय दूसरा एक एक्ट दिख रहा है। वास्तव में पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 जब इसे लाया गया तो इस समय अगर पूछा जाए पीएम कौन था तो अब पीएम बदल चुके थे, विलियम पिट्स इस समय के पीएम थे और उन्हीं के द्वारा ये एक पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो लाया गया था। ध्यान रखेंगे फिर इसके बाद इन्हीं के नाम पर ही आया था। इस पिट्स इंडिया एक्ट में अभी तक जो प्रावधान थे उनसे कुछ डिफर किया गया। क्या था जरा समझना, मैंने आपको बताया था एक 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि जो एक कह सकते हैं सभा थी वो गठित हो चुकी थी। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थी। इसके साथ साथ ही आपने रेगुलेटिंग एक्ट में समझा था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद गठित की गई थी, लेकिन इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में उस परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर इस बार 3 कर दी गई। तो ये तो वारेन हेस्टिंग के पक्ष में है क्योंकि वो चाहता था कि परिषद के जो सदस्य हैं वो या तो कम हो जाएं या तो रहे ही ना, तो इसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। फिर इसके बाद में इसी एक्ट में एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे आप POC के नाम से जानते हैं इसका गठन किया गया। ये नई चीज थी, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसका गठन किया गया। क्यों आखिर गठन किया गया, तो एक्चुअल में था क्या कि अभी तक कंपनी को व्यापारिक सलाह तो दे रहे थे सभी 24 सदस्यीय जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये कंपनी को व्यापारिक सलाह दे रहा था, व्यापारिक सलाह। ये गवर्नर जनरल को एक तरह से मदद करने के लिए यानी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गठित थे, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए थे। इसके बाद अभी तक कोई ऐसा नहीं था जो गवर्नर जनरल को राजनीतिक मामलों में दिशा निर्देशन दे, यानी राजनीति कैसे करनी है ये दिशा निर्देशन अभी कोई नहीं दे रहा था। तो इसके लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को गठित किया गया और कहा गया इसका जो गठन किया गया उसका उद्देश्य था कि राजनीतिक मामलों में राजनीतिक मसलों में कंपनी को दिशा निर्देश। ब्रिटिश सरकार को लगा कि कहीं ऐसा ना हो भारत जो अभी हमारे पास धीरे धीरे कर
एक अच्छा खासा धन भेज रहा है, ऐसा न हो कि ये राजनीतिक विद्वेष फैल जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे युद्ध हम हार रहे हैं। कंपनी ने दो युद्ध अपने हाथों से हारे हैं। ध्यान रखना, आपको अभी बताया गया कि प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध पिछली क्लास में आपने देखा, और उसके साथ दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध। तो इन दोनों युद्धों में अंग्रेजों की हार हुई है। तो अंग्रेजों ने, अब ये ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि एक राजनीतिक मसलों पर दिशा निर्देशन के लिए कंपनी को एक ऐसा, कह सकते हैं, गठन किया जाना चाहिए बोर्ड का, जो सलाह दे कि कंपनी अपनी मर्जी से युद्ध कोई नहीं करे, जब हम कहेंगे तब युद्ध होगा। तो यहाँ पर कंपनी की एक तरह से कह सकते हैं दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया। ध्यान रखोगे तो प्रश्न पूछा जाता है किस एक्ट के द्वारा कंपनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इस एक्ट के बाद कंपनी के ऊपर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को व्यापारिक मामलों पर सलाह देने के लिए उसको गठित किया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा था कंपनी में। यहाँ पर अब कंपनी को दिशा निर्देशन देने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की गठन किया गया। ध्यान रखना, अब यानी तीन चीज़ें आपको पढ़नी है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी BOD को, दूसरा जो खुद के गवर्नर जनरल की एक परिषद है उसके सदस्यों को, फिर तीसरा इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की गठन किया गया, वो ध्यान रखना। ठीक, तो इस तरह करके ये आपको समझना है। अब सदस्यों की संख्या 3 हो गई। इसके साथ साथ ही पिट्स इंडिया एक्ट में प्रावधान किया गया कि जितने भी, गौर से समझना, अब गवर्नर जनरल जो आएगा इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, यानी अगला जो गवर्नर जनरल होगा उसको वीटो पावर दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो वीटो पावर की बात की गई, फिर इसके बाद में कहा गया कि गवर्नर जनरल जो होगा वो वीटो पावर के तहत अपने बिल को पास करा लेगा। तो इसके तहत फिर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अब कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों? क्योंकि कंपनी के एक तरह से सदस्य, यानी जो अभी तक कंपनी के एक तरह से कह सकते थे परिषद के सदस्य थे जो विरोध कर रहे थे, तो उनका कोई रोल ही नहीं बचा, क्योंकि अब गवर्नर जनरल को क्या मिल गया, अब गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिल गई। अब वीटो पावर जब उसे मिल गई तो गवर्नर जनरल खुद अपने आप में अपना एक कानून बना सकता था। तो यहाँ पर अब इस चीज़ को आपको समझना था। फिर इसके बाद यहाँ पर, जैसे कि आपने रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था, यहाँ पर भी यही समस्या बनी रही कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, फिर से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी फिर से क्या की गई, गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। गवर्नर जनरल के अधीक्षण में रखी गई, अधीक्षण में रखी गई। तो इस तरह करके ये था वास्तव में आपके सामने पिट्स इंडिया एक्ट, जो विलियम पिट्स के समय लाया गया, यानी विलियम पिट्स के नाम पर इसका पिट्स इंडिया एक्ट नाम पड़ा था। तो इस तरह फिर पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भारत में कौन आता है बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल बनके, अब उसे समझना है। तो इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए 1785 से 1793 हेडिंग डाल लीजिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बारे में समझ लीजिए, ये था दूसरा बंगाल का गवर्नर जनरल 1785 से 93। ध्यान से समझना, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सैन्य पृष्ठभूमि से था, जैसा कि पिछले आपने देखे सैन्य
पृष्ठभूमि से था। इसने अमेरिकी स्वतंत्रता जो संग्राम था उसमें भाग लिया था। अमेरिका स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम इसमें इसने भाग लिया था और ये इसमें असफल रहा था। यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चूंकि सफल हो गया था उसमें ये असफल रहा था। और इसके बाद जब अमेरिका को, आप सबने देखा होगा, पेरिस की संधि के बाद अमेरिका को उपनिवेशवाद से मुक्ति मिल गई, तो उसके बाद फिर इसे बुला लिया गया ब्रिटेन में। जब ये ब्रिटेन आया तो उस समय इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को पता चला, यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक तरह से तय कर दिया कि अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल तुम बनोगे, तो इसको फिर भारत भेजा गया। ये भारत आने से इनकार कर रहा था तो इसके लिए ही वीटो पावर तय की गई, तो वीटो के साथ भेजा गया। और ये वीटो इसको इसकी मंत्रिपरिषद की विरुद्ध दी गई थी कि कोई भी सदस्य कितना भी विरोध करे तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम जा करके अपनी पावर इस्तेमाल करना और कानून को मान्यता दे देना। लेकिन इसके समय के जो सदस्य रहे वो बहुत सपोर्टिव थे कॉर्नवालिस के और बड़े अच्छे से काम करते हैं। तो ध्यान रखना, ये था वास्तव में लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके समय में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए। इसे कहा जाता है ब्रिटिश प्रशासन का जन्मदाता। ध्यान से समझना, ब्रिटिश प्रशासन का जन्मदाता, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का जन्मदाता। ये ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का जन्मदाता कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसने प्रशासन के लिए बहुत सारे कार्य किए। जरा समझना, सबसे पहले तो इसने कलेक्टर का पद गठित किया। कलेक्टर का पद अभी तक कोई जिले का मालिक नहीं होता था, इसको सिर्फ लगान वसूली के लिए नियुक्त किया गया था कि तुम जा करके सिर्फ लगान की वसूली करोगे। ये पद, ध्यान रखना, ये पद 1787 में गठित किया गया, यानी जब ये आया उसके 2 वर्ष बाद। तो ध्यान रखना, 1787 से कलेक्टर का पद गठित है। इसका काम जो था, ध्यान रखना, इसका काम था लगान वसूली। लगान वसूली के लिए इसे नियुक्त किया गया था। आगे चल करके ये कलेक्टर जो था यही ब्रिटिश प्रशासन की रीढ़ बना। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश प्रशासन की रीढ़ बना। फिर इसके बाद में ब्रिटिश प्रशासन की रीढ़ बना और इसके साथ साथ ही इसके समय, जरा समझना कुछ चीजों को, और ऐसे एरो कर लीजिए और ऐसे लिख लीजिएगा। कॉर्नवालिस के समय ही पुलिस अधीक्षक इसका भी पद गठित किया गया। कॉर्नवालिस के समय ही थानेदारों की नियुक्ति की गई, जो SHO होते हैं इनकी नियुक्ति की गई। कॉर्नवालिस के समय ही वकालत का पेशा शुरू किया गया। वकालत शुरू की गई। इसके पहले आपने देखा था कोर्ट की स्थापना, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कर ही दी गई थी, तो अब जरूरत थी वकीलों की। जज तो पहले से ब्रिटेन से आ गए थे 4, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर वकालत का पेशा शुरू कर दिया कॉर्नवालिस ने। इसने ये वकालत का पेशा शुरू किया तो प्रश्न इस तरह नहीं पूछा जाता, प्रश्न देखना कितने अच्छे अंदाज से पूछेगा, कहेगा कौन सा वो गवर्नर जनरल था
जिसके समय विधि का शासन स्थापित हुआ, यानी कानून का शासन। तो ध्यान रखना, वकालत का जैसे ही पेशा स्थापित होता है तो इसी के समय विधि का शासन जो था वो शुरू हो जाता है, यानी कानून का शासन शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, विधि का शासन प्रारंभ हो गया इसके समय। फिर इसके बाद जब विधि का शासन प्रारंभ हो गया तो इसी के समय विधि के शासन को प्रारंभ कर दिया गया और लिखा गया विधि के समक्ष सभी समान हैं। विधि के समक्ष सभी समान। तो इस तरह करके कॉर्नवालिस ने इन चीजों की एक तरह से शुरुआत की। कॉर्नवालिस को ब्रिटिश प्रशासन का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि उसने प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया है। फिर इसके बाद में कहा जाता है 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया। कॉर्नवालिस कोड क्या था उसको समझ लीजिए, इस पर प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के कह सकते हैं द्वारा लागू किया गया एक व्यक्तिगत कोड था। क्या था इसमें? इस कॉर्नवालिस कोड में कहा गया कि अब जितने भी विभाग हैं वो अलग अलग काम करेंगे। जैसे ये वास्तव में प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। ये मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित था। मॉन्टेस्क्यू कौन थे आप सबने सुना होगा, ये फ्रांस के एक विचारक थे। इन्होंने ही पहली बार दुनिया के सामने तीनों शासन के तीनों अंगों को अलग अलग कर दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यही कॉर्नवालिस कोड था। कॉर्नवालिस कोड के तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को तीनों को अलग अलग रखने की बात की गई। ये था कॉर्नवालिस कोड। इस कोड के तहत कुछ चीज़ें और की गई। कॉर्नवालिस कोड के तहत ही अंग भंग की सजा समाप्त कर दी गई और ब्लड मनी का जो सिद्धांत था वो भी समाप्त कर दिया गया। तो लिख लीजिएगा दो पॉइंट और, अगर पूछा जाए कि किसके समय अंग भंग की सजा समाप्त की गई तो वो कॉर्नवालिस था। ब्लड मनी का जो सिद्धांत था वो किसके समय समाप्त हुआ तो वो भी कॉर्नवालिस। अंग भंग और ब्लड मनी की सजा समाप्त। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके हाथ कटवा देना, पैर कटवा देना, तो इस तरह की अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनको समाप्त कर दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ब्लड मनी का सिद्धांत ये था कि अगर अपराध पिता ने किया है और वो कहीं छुप गया है या वो उसकी डेथ हो गई है तो उसकी संपत्ति उसके पुत्र से जब्त कर ली जाती थी तथा उसके हिस्से की जो सजा होती थी वो उसके पुत्र को दी जाती थी। तो यही था ब्लड यानी उसके खून का सिद्धांत, यानी ब्लड के लिए एक तरह से कह सकते हैं जैसे पिता का ब्लड पुत्र में होता है, तो वही यहाँ पर ब्लड मनी का सिद्धांत जो था, यह सजा जो थी वो समाप्त कर दी गई। इसके साथ सभी को विधि के समान एक तरह से रखा गया। इसका सबसे बड़ा जो कॉर्नवालिस का प्रावधान था वो 1793 में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त लागू
लागू किया। ये वास्तव में स्थायी बंदोबस्त प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां हमें सिर्फ प्री के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं वो समझने हैं। मेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको समझना है तो बस मेरी बातों को जितनी मैं कह रहा हूं उनको समझते जाना। तो अब हेडिंग डाल लीजिए स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवॉलिस। इस स्थायी बंदोबस्त को इतिहासकारों ने इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा है, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा है। दरअसल स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त ये भारत में लागू करने का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। ये एकदम से लागू नहीं किया गया। एक्चुअल में अगर आप थोड़ा वैश्विक इतिहास पर नज़र डालें तो इस समय दुनिया में औद्योगिक क्रांति चरम पर थी। अंग्रेजों के हाथ से इस समय उनका सबसे बड़ा उपनिवेश अमेरिका जो था, 13 उत्तरी अमेरिकी द्वीप के जो देश थे उन्होंने उपनिवेशवाद को इनकार कर दिया। तो इस समय अंग्रेजों को औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और अधिक से अधिक धन की आवश्यकता थी। इस धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का प्रावधान किया। इसी समय की घटनाएं हैं भारत में, क्योंकि बंगाल का क्षेत्र अंग्रेजों के इस समय पूर्णतया कब्जे में था, तो यहाँ पर उन्होंने पहली बार स्थायी बंदोबस्त लागू किया। एकमात्र कह सकते हैं प्रांत में जो बंगाल था वहां पहली बार स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ध्यान से समझना, इसमें जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह से समझना। तो पहले तो इसका कारण क्या था, तो याद रखना कारण में आपको ध्यान रखना है कि औद्योगिक क्रांति के लिए, औद्योगिक क्रांति के लिए। अगर आप मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते तो मेरी बात तो जितनी मैं कह रहा हूँ उतनी समझते जाइए, अपने आप मेंस का टॉपिक तैयार हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल और धन की आवश्यकता थी। तो इस आवश्यकता को पूरी करने का जो प्रावधान था वो अब भारत को चुना गया, क्योंकि इस समय भी अगर आप गौर से देखें तो इस समय भी भारत के पास दुनिया की अर्थव्यवस्था का करीब 1/4 धन था। तो यहाँ भारत अभी बहुत मजबूत स्थिति में है, कोई बिगड़ी हुई स्थिति में नहीं। तो अंग्रेजों को लगा कि अब बंगाल पे हमने कब्जा कर लिया है, यहाँ अपने अकॉर्डिंग हम क्या करें, अपनी राजस्व व्यवस्था को लागू करें। तो ऐसा काम करने के लिए ध्यान रखना, तो ये था कारण जिस कारण से इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। तो प्रथम दृष्टया चूंकि इस समय बंगाल जो था अंग्रेजों के कब्जे में था तो बंगाल में ये लागू किया गया। पूछा जाए सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो बंगाल में लागू किया गया। फिर इसके बाद में अगर पूछा जाए, ये वैसे अगर ऑल ओवर देखा जाएगा तो अभी आप खुद ही देखेंगे, ये ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू किया गया, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर फिर से चीजें समझने के लिए आ जाइए, स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू किया गया, इसको लागू करने का कारण जो औद्योगिक क्रांति का था वो आपको समझ में आ गया। इसको ऐसे ही नहीं लागू किया गया, एक्चुअल में था क्या कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने से पहले इसमें जेम्स ग्रांट और जॉन सोर से विधिवत सलाह की कॉर्नवालिस ने, ये दोनों उसके समय के एक तरह से सदस्य थे परिषद में और बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में ये कार्य कर रहे थे। तो अगर पूछा जाए किससे सलाह ली, तो जॉन सोर और जेम्स ग्रांट से, इन दोनों से सलाह ली गई कि कैसे लागू किया जाए, इनकी सलाह ली गई और इसको कैसे लागू किया जाए अब ये तय किया जाएगा।
स्थाई बंदोबस्त के बारे में अगर आपको समझना है तो एक चीज और समझ लीजिए। स्थाई बंदोबस्त में कहा जाता है कि गांव का मुखिया जो होता था उसी को संपूर्ण भूमि का मालिक मान लिया गया। गांव का मुखिया उसे संपूर्ण भूमि का मालिक मान लिया गया। जैसे आज के समय गांव में प्रधान होता है, उसी को मान लिया जाए कि वो जितने भी गांव है, मतलब जितना भी बड़ा गांव है उस गांव का वो मुखिया है, वही जमींदार है, उसी को मुखिया मान लिया गया और उसी को नाम दिया गया जमींदार। जमींदार। और इसे गांव की संपूर्ण भूमि का स्वामी मान लिया गया। इस जमींदार को संपूर्ण ग्राम का यानी गांव की भूमि का स्वामी मान लिया गया और कहा गया कि अब तुम निर्धारित रकम जो है वो हमें दोगे। इसके साथ साथ ही जब जॉन सोर और जेम्स ग्रांट से सलाह ली गई तो जॉन सोर की सलाह पर यह तय किया गया। जरा समझना, यहां प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि किसकी सलाह पर क्या किया गया। तो जॉन सोर जो था इसकी सलाह पर जमींदार को संपूर्ण गांव की भूमि का स्वामी माना गया था। ध्यान रखना, जमींदार को संपूर्ण भूमि की स्वामी माना गया, ये जॉन सोर की सलाह थी। जेम्स ग्रांट की सलाह पर यह प्रश्न पूछा गया है कि जेम्स ग्रांट की सलाह पर क्या किया गया। तो ध्यान रखना, जेम्स ग्रांट की सलाह पर गांव के जमींदार को वर्ष में निश्चित लगान देनी थी, एक निश्चित जितनी तय की गई धनराशि थी उतनी ही लगान देनी थी। तो यहां पर ध्यान रखना, निश्चित धनराशि देनी थी जमींदार को। ध्यान रखना, जमींदार को। तो बस यही दो पॉइंट थे इस पूरी स्थाई यानी इस्तमरारी बंदोबस्त की रीढ़। अगर इन दोनों को समझ गए तो सब कुछ समझ गए। जमींदार को तो पहले गांव की भूमि का स्वामी माना गया, यह किसके तहत माना गया, तो जॉन सोर के तहत। फिर इसके बाद एक निश्चित लगान तय की दी गई कि अब इतना ही तुम जमींदार ब्रिटिश जो कंपनी है इसको दोगे। तो ये किसकी तहत किया गया, तो जेम्स ग्रांट के तहत। जेम्स ग्रांट ने एक निश्चित धनराशि तय कर दी कि इतना धन तुम्हें देना है। फिर क्या था, ये सब व्यवस्थाएं ऐसी चलती रहीं। जॉन सोर और जेम्स ग्रांट की जो व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया गया और इसके तहत फिर आगे चलकर किसान जमींदार को एक निश्चित रकम चुकानी थी। लेकिन जमींदार क्या करता था, यहां जमींदार को देखना। जमींदार भविष्य में यानी जब से वो जमींदार बना है आगे के समय में वो क्या कर सकता था, इस धनराशि को स्वयं बढ़ा सकता था अपने पास रखने के लिए। चाहे जितना वो बढ़ा दे इसके लिए सरकार या ब्रिटिश कंपनी कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये पॉइंट बस सबसे खतरनाक था। आगे चलकर के इन जमींदारों ने अतिरिक्त धन की मांग की और किसानों ने जब नहीं दिया तो उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया गया। जरा समझना, परंतु जमींदारों को यह अधिकार था कि वह लगान को बढ़ा सकते हैं, वह लगान को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखोगे, फिर इसके बाद में कहा गया ये बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना 1947 यानी देश की आजादी तक ये जो जमींदार थे, देश की आजादी तक ये जो जमींदार थे इन्होंने एक निश्चित धनराशि ही सरकार को दी है। ध्यान रखना, जब देश आजाद हुआ तो 1954 में एक कानून बनाया गया और उसके तहत इन जमींदारों को लगान देने से बाधित किया गया। तो यहां पर अब इस तरह की व्यवस्था को नहीं माना गया। ध्यान रखेंगे,
तो ये थी वास्तव में एक जमींदारी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने लागू की और भारत के बहुत बड़े एक तरह से 19% ब्रिटिश भारत के हिस्से पर लागू की गई। इसके साथ साथ ही ये व्यवस्था आगे चलकर अभी तो सिर्फ बंगाल में लागू है, लेकिन जब अगले ही वर्ष यानी 1793 में कॉर्नवालिस अपनी गवर्नर जनरल की गद्दी से हटता है तो इसके बाद फिर आता है जॉन सोर, जो इस समय इसको सलाह दे रहा था कि जो कह सकते हैं संपूर्ण गांव का मुखिया है जमींदार, उसे ही मान लो, ये सलाह जिसने दी उसी को आगे गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो उसके शासनकाल में आप देखोगे अभी आगे कि इसने बिहार और उड़ीसा में भी स्थाई बंदोबस्त लागू किया। तो अगर पूछा जाए बिहार और उड़ीसा में ये स्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो जॉन सोर ने लागू किया है। ध्यान रखना इसका शासनकाल अभी आपको देखने को मिलेगा 1793 से 98 है, ये गवर्नर जनरल की कुर्सी पर इसके जस्ट बाद बैठेगा। अभी इसका शासनकाल चल नहीं रहा, कॉर्नवालिस समझ रहे हैं हम, तो मैं समझ लेना है। ध्यान रखना तो तीन प्रांतों में स्थाई बंदोबस्त लागू किया जाता है, बंगाल बिहार और उड़ीसा, यही तीन जो थे इनके पास थे। ये ब्रिटिश भारत के, संपूर्ण भारत के नहीं, सिर्फ अंग्रेजों के अधीन जो भारत था उसके 19% क्षेत्र पर, 19% क्षेत्र पर लागू की गई। तो ये थी स्थाई बंदोबस्त, जिसे वास्तव में किसके समय लागू किया गया, वास्तव में लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। फिर इसके बाद कुछ और चीजें, इसको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुए। घातक क्या हुए परिणाम, तो परिणाम में जरा आप देखना तो कहा जाता है ये व्यवस्था प्रारंभ में तो एक अच्छा कदम कहा गया, लेकिन यहां पर अगर देखें आगे चल करके तो बहुत सारी कमियां इसमें दिखेंगी। जैसे प्रारंभ में कहा गया कि एक अच्छा कदम है, बुद्धिमत्तापूर्ण कदम है, अगर आप अच्छे से और तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो अब हेडिंग डाल लीजिए परिणाम, और इसके बाद जो मैं बातें अब बोलने वाला हूं उनको आप नोट कर लीजिएगा। परिणाम में क्या आपको लिखना है, रिजल्ट में, ये शुरुआत में तो एक अच्छा कदम कहा गया, क्यों, क्योंकि अभी क्या है, अभी ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल है उसको अतिरिक्त एक वर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी जो लगान वसूले, जैसे आज के समय में हमें लगान वसूली के लिए लोगों की नियुक्ति करनी पड़ती है, तो उस समय क्या हुआ, अंग्रेजों को एक ऐसा वर्ग मिल गया जो अब लगान वसूली उनको खुद करके देगा। तो यहाँ पर पहला तो अंग्रेजों के लिए फायदा ये था कि एक वर्ग मिल गया जो लगान वसूली के लिए देगा, यानी उनको अतिरिक्त किसी वर्ग की नियुक्ति नहीं करनी पड़ी। दूसरा फायदा ये था कि अंग्रेजों को बिना झंझावाट के एक निश्चित रकम वर्ष में एक बार मिल जाती थी, वो उसमें अपना संतुष्ट होते थे। ये रकम किस अनुपात में मिलती थी, तो ध्यान रखना 1:10 के अनुपात में मिलती थी। ये मिलती थी जमींदार को और ये मिलती थी गवर्नर को, गवर्नर जनरल को, या कह सकते हैं आप कंपनी को। तो ध्यान रखेंगे ये गवर्नर जनरल को अगर मान लीजिए 11 रुपए वसूले गए तो 1 रुपए मिलेगा किसको, जमींदार को, और 10 रुपए गवर्नर जनरल को। तो इस तरह करके यहां पर एक ये परिणाम देखने को मिला। कंपनी को तो एक स्थाई रकम ही मिलती थी, क्योंकि जब आप देखोगे तो कंपनी को तो एक निस्थाई रकम ही देनी थी जमींदार को, वर्ष में एक बार तय कर दिया जाता था इतना हमें चाहिए तो उतना दे दिया जाता था। लेकिन अगर लगान को बढ़ा रहा है जमींदार तो क्या होगा, तो उसको अब ज़्यादा पैसे नहीं देने, उसको ज़्यादा पैसे नहीं देने, वो अतिरिक्त धन अपने पास रख लेता था। इस कारण क्या हुआ, बारंबार अकाल पड़ने शुरू हुए। इस अकालों के कारण कई करोड़ लोगों की जान गई भारत में, अभी आप देखेंगे आगे कैसे मोपला विद्रोह होते हैं किसानों के द्वारा। तो इस तरह करके जब ये अभी विद्रोह देखेंगे उसमें अकाल देखेंगे, तो अकालों के दौरान कई लोगों की जान गई, तो यहां पर ये कदम अब बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं रहा। फिर इसके बाद एक तुलना की गई 1764 में, यानी जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय की लगान में और 1793 की लगान में, यानी यहां के वर्ष में, इन दोनों वर्षों में लगान में 4 गुना की वृद्धि हो गई थी। यानी जमींदार को जब मौका मिल गया तो उसने
कुछ ही समय में लगान को चार गुना कर दिया। 1764 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इस समय जितनी लगान, मान लीजिए यहाँ 10 रुपये लगान थी, तो अब यहाँ तक आते आते 40 हो गई थी, यानी चार गुना हो गई थी लगान। तो इस तरह करके ये अंग्रेजों का एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं कहा गया, क्योंकि इससे लोगों ने भूमि में एक तरह से इन्वेस्टमेंट कम किया, भूमि में उत्पादन क्षमता गिरती चली गई, अतिरिक्त निवेश नहीं हुआ भूमि में, एक तरह से कह सकते हैं कुछ नए तकनीकी नहीं आ पाई, और किसानों को और अधिक बोझ झेलना पड़ा, जिस कारण भारत की जो कृषि व्यवस्था है वो चरमराने लगी। धीरे धीरे कर ये स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी एक तरह से ढहने की कगार पर आ गई। तो यहाँ पर हमें तो हम लोग इस स्थायी बंदोबस्त को अब पूरी तरह से समझ चुके हैं। ध्यान रखना है, ये वास्तव में अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया एक ऐसा कह सकते हैं कानून था, स्थायी बंदोबस्त, जो वास्तव में लोगों के आम जनमानस के हित में कतई नहीं था, क्योंकि इसके जो परिणाम आपने देखे वो बहुत खतरनाक थे। अतिरिक्त धन की मांग जब जमींदार करते थे तो किसान खेती करना बंद करने लगे, धीरे धीरे करके एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र जो था वो रोजगार विहीन होने लगा। फिर इसके बाद में आगे चल करके जब जमींदार ये ज़्यादा पैसे वाले होने लगे तो इन्हीं के बच्चों ने आगे चल करके विदेशों में पढ़ाई की, और इन्हीं के लड़कों ने पुनर्जागरण, नवजागरण, इन सब क्षेत्रों में काम किया। तो अब अंग्रेजों के लिए एक ये दुष्परिणाम साबित हुआ कि इन्हीं जमींदारों के परिवार के लोगों ने, लड़कों बच्चों ने, इन्होंने क्या किया, नवजागरण और पुनर्जागरण का जो नेतृत्व था इन्होंने ही किया है। तो ये भी अंग्रेजों के लिए एक घातक कदम हुआ। तो ये कुल मिला के ये था कि अंग्रेजों को राजस्व के लिए एक अभी अतिरिक्त वर्ग की नियुक्ति नहीं करनी थी। तो इस तरह करके ये एक कॉन्सेप्ट सामने आया। कार्नवालिस के समय एक युद्ध लड़ा गया है जिसे अंग्रेज मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के बीच लड़ा गया, ये तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध था। मैंने पहले ही बताया, पहला वेल्डेस्ट के समय, दूसरा वारेन हेस्टिंग के समय, और तीसरा 1790 से 92 के बीच ये तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध था। इस युद्ध का मजा तब आ गया, जरा समझना, इस युद्ध में अंग्रेज यानी इस कॉर्नवालिस ने क्या किया, दो पक्ष, इधर कॉर्नवालिस और इधर टीपू, क्योंकि पिताजी की, टीपू की यानी हैदर अली की तो डेथ हो ही चुकी थी। कार्नवालिस ने क्या किया, अभी तक जो काम टीपू करता था वो पहले ही, यानी जो हैदर अली करता था वो काम पहले ही किन्होंने कर लिया, वो कार्नवालिस ने कर लिया, और इसने मराठों और निज़ाम के साथ एक मोर्चा बनाया। लेकिन जैसे हैदर अली इस मोर्चे को तोड़ देता था, यानी इनको अलग अलग कर देता था, टीपू ऐसा नहीं कर पाया। इस संयुक्त यानी त्रिपक्षी मोर्चे ने जब टीपू के ऊपर हमला किया तो टीपू पराजित हुआ, ध्यान रखना, पराजित हुआ। इसकी जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, उसकी एक संधि की गई, श्रीरंगपट्टनम यहां इसकी राजधानी थी और यहीं पर संधि की गई। टीपू का इस संधि के तहत आधा राज्य जो था वो अंग्रेजों को मिल गया। 3 करोड़ रुपए की एक तरह से कह सकते हैं राशि इस युद्ध पर जुर्माने के तौर पर टीपू को ऊपर थोपी गई कि तुमने युद्ध लड़ा है, तुम्हारे समय नुकसान अंग्रेजों का हुआ है, 3 करोड़ रुपए तुम दो। फिर इसके बाद में कहा जाता है अंग्रेजों ने, यानी कार्नवालिस ने अपेक्षाकृत वो क्षेत्र लिए टीपू के जो उपजाऊ थे, जिनकी भूमि बहुत अच्छी थी, जबकि मराठे और निज़ाम, क्योंकि ये भी तो विजेताओं के साथ ही थे, तो इनको क्या मिला, मराठे और निज़ाम को इस युद्ध में अपेक्षाकृत बंजर क्षेत्र दिए गए। तो इसी समय कॉर्नवालिस ने एक वाक्य कहा है, उस वाक्य को पेपर में एज इट इज पूछा गया है, जरा समझना। इसी युद्ध के बाद, तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने कहा, कॉर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने मित्र को तो पंगु कर ही दिया, अब मैंने अपने शत्रु को पंगु कर दिया यानी लंगड़ा कर दिया, लेकिन अपने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया, ये वाक्य था। तो ध्यान रखना, शत्रु को पंगु कर दिया और
मित्र भी शक्तिशाली नहीं हुए। हैदराबाद का निजाम और मराठे, क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उसने अपेक्षाकृत उपजाऊ क्षेत्र लिए और इन मराठों और निजाम को जो हैदराबाद का था उसको अपेक्षाकृत बंजर क्षेत्र दिए गए। तो इस तरह करके ये एक था तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध और उसका परिणाम। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई उसके तहत ये तीसरा अंग्रेज जो मैसूर युद्ध था ये समाप्त हो गया था। और इसके बाद टीपू सुल्तान की शक्ति में निर्णायक कमी आ गई। इसके बाद फिर आप देखोगे चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध जो आगे चलकर वेलेज अली के समय लड़ा गया, उस युद्ध के समय इनके जो 1799 का वर्ष था उसमें कहा गया कि टीपू सुल्तान एकदम कमजोर पड़ गया था, उसके ऊपर सहायक संधि जो वेलेज अली द्वारा शुरू की गई थी वो थोपने का आरोप लगाया गया, सहायक संधि उस पर थोप दी गई। कहा गया कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से मदद ले रहा है, इस कारण इस टीपू सुल्तान के ऊपर हम आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन उसमें वजह यह थी कि वास्तव में वेलेज अली की सहायक संधि जो थी वो टीपू सुल्तान ने मानने से मना कर दिया था। तो इस सहायक संधि को ना मानने के कारण टीपू सुल्तान को अपदस्त कर दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद मद्रास को इसमें शामिल कर लिया गया। तो मद्रास शामिल होने वाला वेलेज अली के शासनकाल में दूसरा राज्य था, पहला हैदराबाद का निजाम था फिर मद्रास आ जाता है। तो इस तरह करके ये जो था एक कॉन्सेप्ट था कार्नवालिस का, कार्नवालिस के समय ये याद रखना तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था और इसका परिणाम क्या हुआ वो आप देख ही चुके हैं कि कैसे कार्नवालिस विजयी रहा। यानी अभी आप देख रहे थे पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध और दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध, ये वो युद्ध थे जो प्लासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को पराजित करने वाला एक तरह से हैदर अली पहला व्यक्ति था। फिर इसके बाद में इस तीसरे युद्ध से तय हो गया कि अब टीपू सुल्तान भी इस रेस से बाहर हो गया, यानी अंग्रेजों को एक तरह से टक्कर देने वाला अब टीपू सुल्तान भी नहीं बचा। फिर इसके बाद में इसके बाद 1793 का एक चार्टर एक्ट आता है, उस चार्टर एक्ट के तहत कुछ प्रावधान किए गए जो अब समझ लीजिए। चार्टर एक्ट 1793 का, कार्नवालिस के बारे में जितनी चीज़ें थी आप सब समझ ही गए। कार्नवालिस जब एक तरह से कहते हैं भारत से गया तो उसकी 1800 कह सकते हैं 5 में फिर से एक बार नियुक्ति की जाती है, थोड़े समय के लिए भारत फिर आता है। यानी ये दोबारा कार्नवालिस एक बार और नियुक्ति हुआ है तो वो आप आगे देख लीजिएगा, अभी वेलेज अली के समय आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख लीजिएगा 1805 में पुनः नियुक्त हुआ भारत में, यानी पुनः भारत का गवर्नर जनरल ये बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल ये पुनः बनाया गया। इसके बाद इसकी यूपी के ही गाजीपुर में डेथ हो जाती है, ध्यान रखना गाजीपुर यूपी में यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है, गाजीपुर यूपी में मृत्यु, ध्यान रखोगे तो ये दो पॉइंट और याद रखना कि इसकी गाजीपुर यूपी में डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद में अब आपके सामने 1793 का, 1793 में जो कानून पारित किया गया अब आपको उसे देखना है। ये वास्तव में चार्ट के ऊपर लिख दी गई मांगे होती थी, जैसे आपने अभी देखा था ये चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट 20 वर्षों पर लाए जाते थे, इनमें कहा जाता था कि एक चार्ट के ऊपर ब्रिटेन का जो शासक होता है वो मांग अपनी लिख देता है। तो 20 वर्षों के लिए जो चार्टर एक्ट था वो लाया गया था। भारत के पक्ष में इसमें कहा गया कि अभी तक गवर्नर जनरल को ही वीटो पावर दी गई थी, लेकिन उसके अन्य 3 जो सदस्य थे परिषद में उनको वीटो पावर नहीं दी गई। तो इस बार क्या किया गया, सदस्यों को भी वीटो पावर दे दिया गया, सदस्यों को भी वीटो दे दिया गया, कहा गया तुम इसका यूज कर सकते हो। साथ ही साथ जब अब अंग्रेजों को लग गया कि मद्रास जो है वो अब उनके पूरे एक तरह से हाथ में आ गया है, क्योंकि कार्नवालिस को एक तरह से कहते हैं मैसूर का ये युद्ध जीतने के बाद पूरा एक तरह से क्षेत्र यानी श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी थी वो भी उसके पास आ गई, तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी अब अधीक्षण में नहीं बची, अब अधीन हो गई गवर्नर
जनरल के अधीन कर दी गई। गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। फिर इसके बाद इसमें एक और कानून पारित किया गया 1794 में, शिशु हत्या पर रोक लगा दी गई। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, समझ लीजिएगा। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत 1794 में शिशु हत्या पर रोक, हत्या पर रोक। इसके लिए बंगाल नियम 21 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1794। प्रश्न पूछा जाता है किसके तहत, किसके तहत जो शिशु हत्या है उस पर रोक लगा दी गई। कई बार प्रश्न पूछा जाएगा बाल हत्या भी यही थी, शिशु हत्या भी यही थी, इन पर रोक लगा दी गई बंगाल नियम 21 के तहत, ध्यान रखोगे। तो इतना आपको तैयार करना है। अगली क्लास में हम यहीं से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए। इसके बाद हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।